हेलो नमस्कार मिस्टर सिन, आपके साथ प्रश्न दिया हुआ है। 70-78 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकेंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई बताना है कितनी होगी। तो सॉल्व लिखते हैं, अपन को क्या क्या दिया अपन वो लिख देते हैं। अपन को दिया है कि ट्रेन की चाल क्या है, चाल है 78 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी है 78 किलोमीटर प्रति आवर। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 27 सेकंड। और चाल दूरी कितनी दी हुई है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई 1 है। तो क्या होगा, तो होगा ये कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, 78 गुणित 5/18, 6 कम 6, 6 18, 6 3 18 और 13/65/3, ये कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो 65/3 बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, 450 प्लस एक्स बटे समय कितना है 27। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 नम 27 हो गया। 9 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45, 4 और 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 4 58, कितना आ गया 500 585 बराबर 450 बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5 3 1, कितना आ गया 135, इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।